तो हे गाइस, वेलकम टू अनबॉक्स चैनल, आई एम बैक विद माय अदर वीडियो। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ वीवो वी 17 प्रो के बारे में। रिसेंटली लॉन्च हुआ वीवो वी 50 प्रो में आपको बहुत चीज इम्प्रूव देखने को मिला था, एंड वीवो वी 50 प्रो का सक्सेसर होने वाला है वीवो वी 17 प्रो। तो इस स्मार्टफोन में आपको बहुत चीज इम्प्रूव देखने को मिलेगा, जैसे कि आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, फ्रंट में आपको पॉपअप डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, एंड सुपर एमोलेड डिस्प्ले भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, एंड उसके साथ आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिलेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला वीवो वी 17 प्रो के डिजाइन के बारे में, प्राइस के बारे में, स्पेसिफिकेशन के बारे में, एंड इसके अप्रॉक्सिमेटली लॉन्चिंग डेट के बारे में। सो हे फोक्स, दिस इज शॉन एंड आई एम बैक विद अनदर वीडियो, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, सबसे पहले बात करूँ स्मार्टफोन का डिजाइन के बारे में, तो बैक साइड में आपको ग्लास फिनिश देखने को मिलेगा, एंड उसके साथ आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। फ्रंट साइड की बात करूँ तो फ्रंट में आपको कोई भी नॉच सेटअप देखने को नहीं मिलेगा, इवन आपको कोई भी बेजल चेन देखने को नहीं मिलेगा, यानी जो डिस्प्ले होने वाला आपको एच टू एच डिस्प्ले देखने को मिलेगा, एंड पॉपअप आपको सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा जहां पर सेटअप होगा डुअल सेंसर, एंड उसके साथ आपको डिस्प्ले में देखने को मिलेगा ऑप्टिकल इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाला है एज कम्पेयर टू वीवो वी 15 प्रो। तो आप बात करो स्मार्टफोन का कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले बात करो स्मार्टफोन का डिस्प्ले की, तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 6.5 इंच फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, जिसका एस्पेक्ट रेशियो होने वाला है 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो, एंड जो पिक्सल डेंसिटी आपको देखने को मिलेगा वो होने वाला है 396 ppi का पिक्सल डेंसिटी। रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा 1080x2340 पिक्सल, यानी कि आपको फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन देखने को मिलेगा, एंड उसके साथ आपको देखने को मिलेगा गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोटेक्शन, यानी जो डिस्प्ले होने वाला है बहुत ही ज्यादा सॉलिड होने वाला है एंड प्रोटेक्टिव डिस्प्ले भी होने वाला है, एंड उसके साथ डिस्प्ले में जो कलर रिप्रोडक्शन कलर सैचुरेशन होगा बहुत ही ज्यादा बेटर देखने को मिलेगा। तो बात करें स्मार्टफोन का प्रोसेसर के बारे में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर, जिसके अंदर आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखने को मिलेगा 2.2 गीगाहर्ट्ज़। तो आप किसी भी काम को बहुत ही आराम से कर पाओगे, कोई भी लैग इशू, कोई भी फ्रेम ड्रॉप आपको देखने को नहीं मिलेगा, इवन आपको हीटिंग इशू भी बहुत ही कम देखने को मिलेगा। जीपीयू की बात करो तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एडिनो 660 का जीपीयू, जिसके हिसाब से बहुत ही आराम से किसी भी हाई ग्राफिक्स गेम को रन करा पाओगे, कोई भी फ्रेम ड्रॉप का इशू देखने को नहीं मिलेगा, यानी कि वीवो वी 17 प्रो में आपको जो परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा वो बहुत ही ज्यादा स्मूथ होने वाला है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करो तो इसमें आपको देखने को मिलेगा एंड्रॉइड 9.0, यानी लेटेस्ट स्टैंडर्ड वर्जन से स्मार्टफोन रन करेगा, एंड कस्टम में आपको रेगुलर ओएस वीवो का जो फंटास ओएस होता है सेमी देखने को मिलेगा, जिसका वर्जन होने वाला है 9.0। एंड रैम वेरियंट की बात करो तो ये जो स्मार्टफोन होने वाला आपको दो रैम वेरियंट में देखने को मिलेगा, जो कि है 6GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज एंड 8GB रैम 256GB का इंटरनल स्टोरेज, एंड इंटरनल स्टोरेज जो एक्सपेंड कर सकते हो भाया माइक्रो एसडी कार्ड अप टू 512GB तक। तो कैमरा सेटअप की बात करो तो बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा, एंड उसके साथ आपको TOF सेंसर भी देखने को मिलेगा, जिसके हेल्प से आप किसी भी इमेज को एंड किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है 3D में कन्वर्ट कर पाओगे, जो कि बहुत ही ज्यादा बेटर चीज है एंड आजकल बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। एंड बात करूं यहाँ पर प्राइमरी सेंसर के बारे में, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा 48 MP का प्राइमरी सेंसर, सेकेंडरी सेंसर आपको देखने को मिलेगा 16 MP का सेकेंडरी सेंसर, एंड 5 MP का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा। तो ये जो स्मार्टफोन होने वाला है बहुत ही ज्यादा बेटर स्मार्टफोन होने वाला है, जिसके हेल्प से आप वाइड एंगल शूट बहुत ही आराम से कैप्चर कर पाओगे, एंड AI फीचर भी आपको इस स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, जैसे कि AI जूमिंग इफेक्ट, AI पोर्ट्रेट मोड, सभी कुछ फीचर आपको इस स्मार्टफोन में इनेबल देखने को मिलेगा। तो कैमरा क्वालिटी बजाज सेंट्रिक स्मार्टफोन के हिसाब से बहुत ही ज्यादा बेटर होने वाला है, एंड 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि होने वाला है 30 FPS पर। तो फ्रंट कैमरा की बात करें तो फ्रंट में आपको डुअल मोटराइज सेल्फी कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रूव होने वाला है एंड बहुत ही ज्यादा फास्ट होने वाला है, जिसके अंदर आपको देखने को मिलेगा 32 MP का मेन सेंसर एंड 8 MP का आपको डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिलेगा, जो कि बहुत ही ज्यादा इंप्रूव बोके इफेक्ट एंड पोर्ट्रेट मोड कैप्चर करेगा। उसके साथ फ्रंट कैमरा में आपको 1080 वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा, जो कि होने वाला है 60 FPS पर। तो बैटरी की बात करूं तो इस स्मार्टफोन में आपको देखने को मिलेगा 4000 mAh का एक ह्यूज बैटरी, एंड उसके साथ आपको डुअल इंजन फास्ट चार्जिंग फीचर भी देखने को मिलेगा, जो कि आएगा आउट ऑफ द बॉक्स, एंड ये जो चार्जर होने वाला आपको 18 वाट का आउटपुट प्रोवाइड करेगा, एंड 0 से 24% चार्ज होने में इसका टाइम लगेगा लगभग 15 मिनट। उसके साथ आपको पावर सेविंग मोड भी स्मार्टफोन में देखने को मिलेगा, एंड उसके साथ ये जो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर है ये बहुत ही ज्यादा पावर एफिशिएंट प्रोसेसर है, तो यहाँ पर जो स्क्रीन ऑन टाइम होगा बहुत ही ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा।
तो आप बात करो स्मार्टफोन का प्राइस एंड लॉन्चिंग डेट के बारे में, तो इसका जो प्राइस होने वाला है आपको देखने को मिलेगा अप्रॉक्सिमेटली 30,000 के अंदर। एंड लॉन्चिंग डेट की बात करूँ तो जो स्मार्टफोन होने वाला है आपको जून के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये कुछ लीक्स एंड रूमर्स वीवो V17 प्रो के बारे में। तो वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना। आपने इस चैनल पे पहली बार आए तो जाकर सब्सक्राइब मारना, नोटिफिकेशन बेल को दबा दो। एंड उससे पहले हमने मेरे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो जाकर फॉलो करो, लिंक आपको नीचे देखने को मिलेगा। तो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।